वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेट टेक्निकल। आज अपन बात करेंगे चार्जिंग सिस्टम के बारे में। चार्जिंग सिस्टम क्या होता है, वो बैटरी को कैसे चार्ज करता है, और जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो वो कट ऑफ कैसे कर देता है। तो मैं बात करूँ चार्जिंग सिस्टम के बारे में, तो चार्जिंग सिस्टम इज डिलीवर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू पावर ऑफ व्हीकल व्हाइल इट रनिंग एंड सस्टेंस द बैटरी चार्ज इज कॉल्ड द बैटरी चार्जिंग सिस्टम। बैटरी चार्जिंग सिस्टम वो होता है जो आपकी गाड़ी में लगी बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। और इसके ये तीन पार्टों में मेनली डिवाइड किया जाता है, बैटरी, अल्टरनेटर और वेरिएबल रेगुलेटर। ये तीन पार्ट मिलकर आपका चार्जिंग सिस्टम बनता है। तो चार्जिंग सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको पार्ट के बारे में समझाना चाहता हूँ। यहाँ रहता है एक रोटर, स्टेटर कॉइल, ठीक है, और ये रहता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के अंदर तीन कॉइल लगी रहती हैं, तीन प्लेट लगी हुई रहती हैं जो फॉरवर्ड वायर डायरेक्शन में रहती हैं। एक डायोड रहता है इनके अंदर जो फॉरवर्ड वायर डायरेक्शन में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपका रोटर घूमता है तो रोटर आपका इंजन से ड्राइव लेता है, ठीक है। जब आपका इंजन घूमता है तो बेल्ट के थ्रू उसमें पुली लगी होती है, वो घूमती है तो जो रोटर घूमता है। जैसे ये रोटर घूमता है, इस रोटर में क्या होता है, दो कॉल रहती हैं, एक ग्राउंड कर दी जाती है और एक पोजिटिव सप्लाई से बैटरी से डायरेक्ट रेगुलेटर से होती हुई आती है। तो जब आपका रोटर घूमता है तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है तो ये रोटर इस कॉइल में एसी करंट प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। जैसे इसमें एसी करंट प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ये करंट जाता है अपना रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में जो फॉरवर्ड डायोड की पेयर लगी हुई रहती है फॉरवर्ड वायर डायरेक्शन में, वो क्या करता है, करंट को सेपरेट कर देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट कर देता है, जिससे ये अपना एसी करंट जो है डायरेक्ट डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी डीसी करंट से आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है। अब बैटरी की बात करूँ मैं, तो बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और आपका जो अल्टरनेटर है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और तीसरा आता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, जब आपका अल्टरनेटर ओवर करंट देने लगता है, जब अल्टरनेटर से ओवर करंट आने लगता है, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, जो इस रोटर में पॉजिटिव सप्लाई जा रही होती है इसको रोक देता है। जैसे इसको रोकता है तो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो पीक पड़ जाता है, तो जिससे यहाँ पे करंट आना बंद हो जाता है, जिससे आपकी बैटरी ओवर चार्ज नहीं होती है, वह कंटिन्यू काम करता रहता है। ये क्या होता है, ये सेंस करता रहता है बैटरी आपकी कितनी चार्ज है। अगर बैटरी कम चार्ज होगी, बैटरी में कम वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे सप्लाई जाने देगा, तो आपका यहाँ से ये सप्लाई रेक्टिफायर से बैटरी तक आती रहेगी आपको, और आप बैटरी चार्ज होती रहेगी। जब आपका आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी या ओवर चार्ज होने के चांसेस रहेंगे, तो ये क्या करेगा, इसकी जो सप्लाई है रोटर को सप्लाई देने रोटर को जो सप्लाई जा रही है यहाँ से उसको रोक देगा, जिससे आपका ये ऑटोमेटिक फील्ड वीक पड़ जाएगा और आपका ये चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, ये होता है आपका चार्जिंग सिस्टम।